यूं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र कुछ खास मजहब जाति धर्म देख के ही काम करते हैं। हमारा देश जानते हैं क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों बैकवर्ड है? कोई बोलता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, ये है वो है। सबसे बड़ा मुख्य कारण है हम लोग एक नहीं हैं, वी आर नॉट यूनाइटेड। हमारे यहाँ जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, हम उसमें जाति धर्म को जोड़ देते हैं। अगर किसी फलानी जाति के साथ कुछ होता है तो जाति के ही लोग आगे खड़े होते हैं, किसी एक के साथ कुछ बुरा होता है तो उसी धर्म के जाति के लोग आगे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में तो बटे हुए हैं, और इनके बाद भी बहुत सारी डिविजन्स हो चुकी हैं, जो एक बहुत बड़ा सिंबल है देश को खाई की तरफ ले जाने के लिए। हमेशा से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ये सोशल एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड पेड मीडिया, खास पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट्स वाले लोग, अवार्ड वापसी वाले लोग और इस कैटेगरी के अन्य बहुत सारे लोग जो हैं अपने मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं, क्योंकि मुद्दा उनके मतलब का नहीं होता। उनको ऐसे मुद्दों में राजनीति करने का कुछ मसाला नहीं मिलता। मैं अभी बात कर रहा हूँ राजस्थान के बाबूलाल वैष्णव जी की। राजस्थान का करौली जिला, जो कि सपोटरा थाना क्षेत्र में आता है और गाँव का नाम है मूकड़ा गाँव, यहाँ पर ये पंडित जी जो है अपनी फैमिली के साथ, इनकी चार बेटियाँ और एक बेटा बताया गया है, अपनी फैमिली के साथ गांव में ही जीवन बसर किया करते थे। इतना वहाँ पे आमदनी नहीं होती, वहाँ पे इतना चढ़ावा नहीं चढ़ता कि इनको बहुत पैसे मिलते थे। ये छोटे से गांव के छोटे से मंदिर में पुजारी के रूप में वहाँ पे अपनी सेवाएं दिया करते थे। गांव वालों ने इतने सालों से काम करता हुआ देख, मंदिर के पास एक पहाड़ के साथ लगा हुआ एक हिस्सा इनको दे दिया कि आप यहाँ पर अपनी छोटा सा घर बना लीजिए और अपने परिवार के साथ जीवन यापन कीजिए। जैसे ही उस ज़मीन को साफ सुथरा कराते हैं कि मैं घर बनाऊँगा अपना, तभी गांव के कुछ दबंग भूमाफिया आ जाते हैं, जिनको यूं तो कहा जाता है कि बड़े पिछड़े हुए हैं, बड़ी बैकवर्ड हैं, लेकिन ये कितने बैकवर्ड हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को भी सरेआम पेट्रोल छिड़क के जला सकते हैं। बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की, इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ लीजिए पॉज करके, आपको पता चल जाएगा। ना इनमें कानून का खौफ है, ना ही इंसानियत। तो जो आरोपी का नाम आ रहा है कैलाश मीणा और उसके साथ बाकी अन्य पांच लोग, कैलाश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी जो पांच अन्य लोग हैं वो मौके से फरार हैं। पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाई है। पुलिस के सामने अब तक जो मुद्दे की बातें सामने आई हैं कि कैलाश मीणा ने बाबूलाल शर्मा, बाबूलाल वैष्णव जी के ऊपर हमला किया। क्यों किया? क्योंकि उसकी ज़मीन हड़पना चाहता था। बाबूलाल ने गाँव की पंचायत में शिकायत की तो गाँव की पंचायत ने इकट्ठे होके कैलाश मीणा और बाकी लोगों को बोला कि तुम लोग दादागिरी मत दिखाओ, ये गाँव की ज़मीन है और गांव ने अपनी स्वेच्छा से पंडित जी को दी है, आप लोग बीच में यहाँ पे इंटरफेरेंस मत करो। इस बात को लेकर वो बौखला के फिर भी परेशान करते रहे। जब इसने आगे बढ़ के कंप्लेंट करने की बात करी तो इन लोगों ने मिलके इनको एक, जहाँ पे एक अनाज इकट्ठा हुआ रखा हुआ था, वहाँ पे घेरा और वहाँ पे पेट्रोल डाल के उसी अनाज के ढेर के बीच इनको जला दिया। वो तो जली हालत में जब वहाँ से निकल के भागे, इन्होंने हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया तो पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है, मरने से पहले उन्होंने इनके नाम लिए, इन पांच छह लोगों के, जिनमें से कि एक को पकड़ लिया गया और पांच अभी तक फरार हैं। तो सवाल ही उठता है कि ऐसे लोगों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, कानून का खौफ क्यों नहीं है, सिस्टम का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो क्यों इंटरफेरेंस नहीं करते? वो बड़ा देख के केस को हैंडल करते हैं। जहाँ पे खास विशेष जाति धर्म के समुदाय के लोग होते हैं, उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, गलत को सही, सही को गलत बताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको वोट चाहिए होता है। उनको झांसा देना, जाति धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाना, बस ये चीज़ें आती हैं। लेकिन ये राजनीतिक लोग ये भूल जाते हैं कि अब जनरेशन बदल रही है। जिन लोगों को पैर की जूती समझते थे वो भी शिक्षित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले। और यूँ तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग पोजिशन पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कोई पुलिस में तो कोई कहीं पर, वो भी काफ़ी सारे मीणा हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी गैर इंसानियत की कोई बात नहीं करी। उन्होंने कभी किसी बेकसूर को, बेसहारा को लूटने या मारने के बारे में बात नहीं की। उन्होंने हमेशा से आगे बढ़ के कानून के दायरे में रह के जिन लोगों ने वर्दी पहन रखी है अच्छा काम भी करते हैं। तो ऐसे लोग क्यों बदनाम करते हैं ऐसे सिस्टम को, खुद इनकी कम्युनिटी को? मैं चाहता हूँ जितने भी मीणा समुदाय से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो सब ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें और जस्टिस की आवाज़ उठाएँ बाबूलाल पंडित जी के लिए, ताकि ऐसे लोगों को ये साफ साफ सबक मिले कि इनके साथ कम्युनिटी नहीं है, इनके सिर्फ साथ से बुराई है। और बुराई की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। अगर यही इंसिडेंट किसी खास धर्म के साथ हो गया होता तो अब तक न जाने गांव के गांव जल गए होते।
लेकिन ये बेचारे ठहरे पंडित जी, जिनके साथ खड़े होने वाले लोग इतने ठंडे पड़ चुके हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं कि कहाँ मंदिर में आग लग रही है, कहाँ मंदिर में पंडितों को सरेआम मारा जा रहा है, साधुओं के साथ अपमान किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे से कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग तो इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये भूखे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी ये जानते हैं इनके फॉलोवर्स, इनके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे सच बोलने से, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स इतने स्ट्रांग हैं, मुझे विश्वास है कि वो किसी जाति धर्म के नहीं हो, सबसे पहले वो इंसान है, भारत माता के बेटे हैं, और जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई सपोर्ट करे, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए और सत्य के साथ दे, सत्यमेव जयते, और उनको इंसाफ दिलाने में अपनी आवाज़ को उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें, ताकि ये जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं ना, इनको पता चले कि हो क्या रहा है। और ये जो अलग अलग पार्टीज़ के लोग समुदाय देख के, जाति धर्म देख के उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और वो लोग कहाँ सो गए हैं, जरा सामने बिलों से निकल के आओ और इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठाओ, वरना जाके सब डूब मरो। इस वीडियो के टॉप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको मारा गया था।